इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं। दोस्तों गुड आफ्टरनून। सो जस्ट मैं अभी जा रही हूँ पास्ता बनाने, दूध भी बन रहा है, उबल रहा है, सॉरी। तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, वरना तो ना मेरा दूध हमेशा उबल ही जाता है। सो हाँ, मैं जा रही हूँ पास्ता बनाने, बिकॉज आर्या को बहुत दिन से पास्ता खाने का मन था। तो मैंने कहा लंच में पास्ता ही बना लेते हैं। मैंने इनसे पूछा, उन्होंने कहा ठीक है पास्ता ही बना लो, वो भी खाते हैं शौक से पास्ता। पिंक सॉस पास्ता बोल सकते हो, रेड सॉस पास्ता, वही बनाऊंगी मैं। सुबह प्रिपरेशन कुछ नहीं किया, अभी करना है मुझे प्रिपरेशन। नहा के हम फ्रेशन अप हो चुके हैं, मेरी मॉर्निंग प्रेयर्स भी हो गई है, सब काम खत्म हो चुका है। बाल हल्के से अभी भी गीले हैं, तो सॉरी। मैं जो सीरम लगाया है बालों में ना, उस तरह से वो दिख रहे हैं, हल्के से सूख जाएंगे तो फिर इन्हें टाई कर लूँगी मैं। और तो चलिए बस तैयारी कर लेते हैं पास्ता बनाने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स दोस्तों। आप लोग जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड थैंक्स वंस अगेन, आप लोग के इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं। आई नो ज़्यादा नहीं आते, थोड़े बहुत ही आते हैं, बट दैट मीन्स अ लॉट टू मी। बस आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। एंड आप लोग मेरे वो व्यूअर्स हैं जो फिक्स न्यू व्यूअर्स हैं मेरे, उनको भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। And people are watching me outside India also. So my thanks to all of them also. Thank you so much for watching my videos and keep supporting. Stay connected and do subscribe my channel for more interesting videos. So let's get ready and let's get back to work. So मैं इस brand का pasta use करती हूँ, ये डीमार्ट में available रहता है। It says it's a wheat drum है, like drum wheat semolina है। सो आई डोंट नो कितने परसेंट ये एक्चुअल है, करेक्ट है, बट आई यूज़ दिस वन ओनली। एंड बस मैंने पैन में रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। उसमें मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला है, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल, मतलब विदाउट कलरफुल वाला आपको ऑयल डालना है इसमें। एंड जस्ट एक कप मैंने पास्ता डाला है, एक कप पास्ता हमारे लिए बहुत इनफ है। मैंने थोड़ा सॉल्ट डाल के इसको बॉयल किया है, तो मैं कम सॉल्ट डालूँगी, ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालूँगी। अब बस टोमेटो को ब्लांच कर लेना है। मैंने ऐसे 20 से 4 कट लगा दिए हैं। मीन बाइल मेरे टोमेटोज भी हो जाएंगे। तो देखिए बस पास्ता मेरा रेडी हो गया, तो मैं इसे छान लेती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ पास्ता कितना खिला खिला, लेकिन वो एकदम स्टिकी नहीं है, परफेक्टली कुकड है जैसा चाहिए। वरना क्या होता है ना, कई बार हम इतना पका लेते हैं पास्ता को कि वो ना पूरा बाद में मेल्ट होकर ना टूट जाते हैं पूरे पास्ते। बस आप देख, मैंने टैप वाटर से इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। ये देखिए आप, एकदम 90% कुक्ड हो चुका है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है, एकदम खिला खिला। आपको मैं नीचे का भी दिखाती हूँ। सो जैसे ही आप पास्ता का पानी निकालते हैं, उसको ठंडे पानी से या टैप वाटर से उसको एक बार वॉश कर लीजिए एंड साइड में ड्रेन होने के लिए रख दीजिए। मीनवाइल मेरे टोमेटोज भी हो चुके हैं, अब मैं इनका छिलका निकाल के इन्हें भी ब्लांच कर लूँगी। तब तक मेरे टोमेटो एंड पास्ता हो रहा था, तब तक मैंने कटिंग भी कर ली थी। ये लहसुन है और ये अनियन है जो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अभी टमाटर बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर मैं इसे मिक्सर में चलाऊंगी तो ये धुआं फेंक देगा, इस रीज़न से मैं तो ठंडा होने को रख देती हूँ। और तब तक जो मेरे बर्तन निकले थे, कि जो छोटा वाला जार है मुझे चाहिए टोमेटो पीसने के लिए, और वो मैंने मॉर्निंग में यूज़ किया था, तो अब मैं उसको भी वॉश कर लूँगी और बाकी के सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ। बिकॉज पास्ता खाने के बाद आरू को सोना होगा, तो फिर मेरे बहुत सारे बर्तन एक साथ जमा हो जाएंगे, तो धोने में ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज आरू प्रॉपर सोती ही नहीं है, उसको मम्मा चाहिए होती है हर वक्त। तो बस वो सब भी काम निपटा दिया है मैंने। और अभी मैंने ये सेम पैन में उसको टिश्यू से क्लीन करके इसमें डाल दिया मैंने ऑयल एंड बटर एंड जो मेरा बारीक कटा हुआ लहसुन था। अभी मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, मतलब हल्की सी गोल्डनिश करनी है, ज़्यादा लाल नहीं करनी है हमको, तो हल्का सॉटे करना है लहसुन को। और मैं लहसुन गार्लिक अच्छे से मैं सॉटे कर लिया, उसके बाद मैं डाल दूँगी अपना एक बड़ा प्याज जो मैंने कट किया था चॉपर में।
अनियन, इसको भी अच्छे से हमें सॉटे कर लेना है। मैंने अभी 2 मिनट्स को हाई फ्लेम में चलाने के बाद मीडियम फ्लेम कर दी थी। आप देख सकते हैं अच्छी पिंकिश कलर हो गया अनियन का। इस टाइम पे हमारा जो टोमेटो प्यूरी है वो हम डाल देंगे। और हमें इसे अच्छे से फिर चलाना है हाई फ्लेम में 1-2 मिनट के लिए, ताकि टोमेटो और जो अनियन है सब अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद बस मैंने पानी डाल दिया है और स्लो आंच में मैं इसको पकने दूंगी। इसे मैं डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स, जो मैंने घर में बनाया हुआ है, ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें ओरिगैनो, और यह मिक्स जब था वो भी यूज कर सकते हैं। और बस ये रेड ग्रेवी रेडी हो चुकी है, रेड सॉस ग्रेवी। आप चाहें तो पास्ता इसमें डाल के भी खा सकते हैं, इट टेक्स यम। और थोड़ा सॉल्ट डाल के अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो आप पानी अपने हिसाब से कर, आपको कैसी ग्रेवी चाहिए। और मैंने इसमें डाला है शेजवान सॉस, एंड ये पिज्ज़ा पास्ता सॉस है, ये मार्केट का पिज्ज़ा पास्ता एंड शेजवान सॉस है जो मैंने यूज़ किया है। मतलब ग्रेवी को सबको मिक्स कर लेना है, जो मसाला मैंने डाला है, एमिटर सॉसेज जो मैंने डाले हैं। मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। मैदा हमें ज़्यादा नहीं लेना है, वरना फिर वो आपका जो ये बहुत थिक हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा थिक सॉस नहीं बनाना है, नॉर्मल सा सॉस बनाना है आपको। सब कंटिन्यूसली चलाना है, अदरवाइज नीचे लग जाएगा तो फिर सॉस मैदा पूरा ख़राब हो जाएगा, बटर भी वेस्ट हो जाएगा आपका। और मैंने इसमें 1/2 कप दूध डाला था, ऐसे मुझे 1 कप दूध डालना चाहिए था, बिकॉज जब मैंने डाला था पास्ते के मिक्सचर में, रेड सॉस पास्ते में, तो ये पूरा ना थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। तो आप इसमें 1 कप दूध का इस्तेमाल कीजिए, इसको अच्छे से चलाते रहिए कंटिन्यूसली, वह दूध जल जाएगा। थिकनेस देख लीजिए, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। एंड बस फिर मैंने चीज़ डाल दिया ग्रेट करके, मैं कंटिन्यूसली इसको चला रही हूँ, कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए हमारे व्हाइट सॉस में। कंसिस्टेंसी देखिए एकदम मस्त, अच्छा सा ना गाढ़ा सॉस रेडी हो गया हमारा। ये आप ना चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम जो चीज़ बर्स बनाते हैं सेम सॉस यूज़ होता है। अब बस मैंने डाल दिया मेरे रेड सॉस में अपना व्हाइट सॉस, एंड दोनों को मिक्स कर दिया है। देखिए कलर कितना प्यारा है ना। अच्छा वो रेड वाले से ना मुझसे चलाते नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया मेरा स्पैचुला। एंड ये देखिए पास्ता डल गया है। इस टाइम मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ना सूखा सूखा लग रहा था। और ये क्रीम, मेरे पास क्रीम रखी हुई थी, अमूल क्रीम, एक अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, इसलिए मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो दैट इज़ टोटली ऑप्शनल फ्रेंड्स। बस इसको फाइनली गार्निश करना है चीज़ के साथ, एंड या टाडा इट्स रेडी। लुक एट द कलर, इट्स सो ब्यूटिफुल। आ जाइए दोस्तों गर्मा गर्म पास्ता खाते हैं आज लंच में। आर्या जस्ट लव द पास्ता। यहाँ हम बस पास्ता एंजॉय कर रहे हैं। मैं आर्या से पूछ रही हूँ अच्छा बना है पास्ता, वो बोली यस मम्मा यम्मी यम्मी। मेरे हस्बैंड वहाँ पीछे बैठ के वो लंच कर रहे हैं, वो ज़्यादा कैमरे में आना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ, बस ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें कर रहे हैं हम लोग। अरे अपना पास्ता एंजॉय कर रही है। मैं इनसे पूछ रही हूँ पास्ता कैसा लगा आपको, तो ये बोल रहे हैं काफ़ी अच्छा बना है, टेस्टी या नाइस। ये बोल रहे लहसुन लहसुन मुँह में आ रहा, तुमने बारीक नहीं कट किया लहसुन। मैंने कहा हाँ वो मैंने हाथ से ही कट किया था, क्या वो कट हाथ में कट्स है ना, इस वजह से प्रॉपरली नहीं हुआ है, और एल्स तो अच्छा था। और आर्या का मुँह देखिए, बोलती मुझे चीज़ वाला नहीं खाना है पास्ता, तो मैं बिना चीज़ के कैसे खाते हैं पास्ता। काम ख़त्म होने के बाद हम सो गए थे, और ये रात का शाम का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। अब ये देखिए मेरे कपड़े फाइनली मैंने सेट करने हैं, ये कपड़े ख़त्म करना है इन कपड़ों को। टड़ा चुटकी बजाते काम ख़त्म। प्लीज़ वो साइड टेबल इग्नोर कीजिएगा आ जाएगा, वो मुझे सेट करना है जो मैं कल करूँगी। सो इट्स नाइस एंड क्लीन। बस मैं सेटल कर रही हूँ मेरे सारे कपड़े, ये मेरे कपड़ों का सेक्शन है। मैंने कल वीडियो अपलोड इसलिए नहीं किया था दोस्तों, बिकॉज मुझे माइग्रेन पेन हो गया था, इस रीज़न से मैंने उस दिन व्लॉग भी ज़्यादा बनाया नहीं है। तो बस मेरे पास जो व्लॉग था वो मैंने डाल के वो कर दिया है। मेरे कपड़े आपको चेंज दिख रहे होंगे, रीज़न ये कि हम अपने इन-लॉज के पास गए थे और उसका भाई भी साथ में आया, तो दोनों बाहर मस्ती कर रहे हैं, इस रीज़न से आपको मेरे कपड़े चेंज दिख रहे हैं।
बस ये मेरा जो सेक्शन है वो सब पैंट्स एंड नाइट वेयर का सेक्शन था जो मैंने क्लीन कर दिया है, रख दिया है उसको भी। और ये हबी का बस मैं टी शर्ट्स एंड पैंट्स रख रही हूँ, इनके इनर्स हैं जिसे मैं सेट कर देती हूँ। बस ये कपड़ों का फाइनली काम ख़त्म हो चुका है, आई एम सो हैप्पी, इट्स डन ऑलमोस्ट। एंड ये देखिए यहाँ पे बस चादरें जो मेरी बेड शीट्स हैं वो भी मैं सेट कर देती हूँ। आर्या का जो बंग बेड है उसके नीचे ही ये बना हुआ है स्टोरेज, तो मैं इसे यूटिलाइज़ करती हूँ अपने चादर रखने के लिए। और बच्चों को दाल चावल दे दिया था बना के मैंने, और मेरे हबी ने भी खा लिया था। मैं अपने लिए बना रही हूँ मुरमुरे एंड दाल मखाने का सलाद, आप बोल सकते चाट बोल सकते हो एक तरीके से। तो मैंने कुरमुरे और मखाने को लेके राइस पफ एंड लोटस को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है हल्का सा घी डाल के पैन में। और एक ग्रीन चटनी थी मेरी मैंगो वाली जो बनाई थी मैंने, बस वही मैंने इसके अंदर डाल दी है, बिकॉज दूसरी चटनी मेरे पास है नहीं। और ये चटनी मुझे बड़ी मज़ेदार लगी थी जो मैंने बनाया था, तो वो डाल दूँगी। और इमली की चटनी मैं डाल रही हूँ जो मैंने बताया आप लोग को यहाँ बाहर मिलती है सोसाइटी की, तो वो मेरे पास हमेशा एक रखती हूँ पैकेट में, तो वही बस मैं डाल दूँगी इसके अंदर। टेस्ट के मैं चने डाल लिए हैं और मूंगफली है मेरे पास भुनी हुई रखी है पैकेट की, बाहर से ले आती हूँ, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी फॉर मोर प्रोटीन एंड फॉर मोर टेस्ट। एंड फिर जो मेरी कटिंग की हुई सब्जियाँ रखी हैं, सब्जी नहीं मतलब जो भी कट करके रखा है, टमाटो है, अनियन है, एंड देन योर कच्ची कैरी, पोटैटो, ग्रीन चिलीज़। मैं धनिया खाने का मन नहीं था, मैंने धनिया नहीं डाला है। मैं फ़िलहाल इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट। तो मैं वाइट सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं ब्लैक सॉल्ट से ही काम चला लेती हूँ, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। और बस ये जो मिर्ची रखी थी घर की पिसी हुई मेरी एक्चुअली, वो मैंने डाल दी है, बस उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ, मैं कल मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।